कोथावा ब्लॉक के ग्राम पंचायत आटिया मंजीगवा के मंजीगवा निवासी कुलदीप तिवारी पुत्र स्वर्ग सत्य प्रकाश तिवारी का कच्चा मकान रविवार की रात में अचानक गिर गया। तो वहीं गांव के ही पन्नालाल पुत्र राम गुलाम का मकान गिरने से घर गृहस्थी का सामान खराब हो गया। गिर गया मकान सर, बारिश तेज हो रही थी इस कारण से मकान गिरा है और इसमें हमारा एक जो है काफी सामान भी टूटा पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये बेड है, इसके पीछे में बक्सा वगैरह था, अलमारी थी, काफी अन्य और भी सामग्री रखा हुआ था, वो सारा जो है दबा पड़ा है अभी आपके सामने। अब इसको खोद के निकाला जाएगा तब समझ में आएगा कैसा क्या कितना नुकसान हुआ है। किसी को चोट वोट नहीं लगी? नहीं, चोट किसी को नहीं लगी है। चोट गिरने से पहले ही सब लोग बाहर हो गए थे। कोई आवास वगैरह नहीं मिला? कोई आवास नहीं है सरकार से? कोई मदद? कोई आवास नहीं है, कोई मदद नहीं है सरकार से। क्या नाम है आपका? अंकित तिवारी। गाँव? गाँव अटिया मझिगवा है हमारा, ब्लॉक कोथावा, तहसील संडीला, डिस्ट्रिक्ट हरदोई। मकान गिरने से इन परिवारों के सामने रहने का भयानक संकट उत्पन्न हो गया है। गली मत रही कि इस दौरान परिवार के किसी सदस्य को कोई चोट आदि नहीं लगी, मजबूरी में परिवार को टूटे मकान में ही रहना पड़ रहा है। ऐसे मकान गिर गया, ये क्या हुआ? ये मतलब बारिश होने के कारण गिर गया है। कच्चा मकान था और जो सामान था ये बच्चे की शादी का, तो वो सब उसी में है, दब गया। हाँ, टूट गया, ये मतलब नुकसान हो गया है काफी। क्या पूरा मकान कच्चा था? हाँ जी, पूरा मकान कच्चा। कोई आवास वगैरह नहीं मिला ग्राम पंचायत? नहीं, से नहीं मिला कभी कोई आवास? नहीं मिला। नहीं जी। कोई जान माल का तो नहीं नुकसान हुआ? नहीं, जान माल का तो नहीं हुआ है। हाँ, क्या नाम है आपका? राम देवी। गाँव कौन सा है? मझिगवा। कुलदीप तिवारी ने बताया कि इस मकान के अलावा हमारे पास दूसरा कोई मकान नहीं है, इस कारण हमारे परिवार के लोग इसी टूटे हुए मकान में रहने को मजबूर है। किसका मकान है? पन्नालाल हमारा नाम। कैसे गिर गया ये? ये बरसाते में गिर गया, आज दोपहर में तो गिरा है। अब यह माटी वाटी उठाए के यहाँ तो सब इधर हिया लेके सब माटे पड़ी रहा, इसी उसी डरी है। अभी नहाए धोए भैया। कोई नुकसान नहीं हुआ? देखो नुकसान भैया, जीव हत्या कोई नहीं भाई, झूठ बोलबा नहीं। यह नुकसान यहाँ हो गवा कि छाही चली गई। पूरा मकान कच्चा है? हाँ, सब कच्चे है, वो छप्पर पड़े हैं, ये सब छप्पर है भाई की। कोई आवास आवास नहीं मिला सरकार से? मिला कबहू जिंदगी में नहीं। हमारे ना मानो, इतने आदमी खड़े हैं गाँव, आप पूछ लीजिए। मुझे शासन द्वारा अभी तक पीएम आवास तक नहीं मिल पाया है। यदि मुझे शासन प्रशासन की ओर से कोई मदद मिल जाए तो मैं अपने मकान को दोबारा से रहने योग्य बना सकूं।